हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आनंद कुमार है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारा व्यूअर ने हमसे पूछे हैं कि सर मेरा चैनल ग्रो हो ही नहीं रहा है, हम क्या करें? मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, हम क्या करें? मेरा 500 सब्सक्राइब में अटक गया है, सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहा है, वॉच टाइम बढ़ ही नहीं रहा है। कोई बोल रहा है कि मेरा 300 ही हुआ है सब्सक्राइब, कुछ वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ है मगर पूरा नहीं हुआ है। कोई बोल रहा है कि 100 सब्सक्राइब हुआ है, कोई बोल रहा है कि 900 हुआ है, माने सब आधा अधूरा में अटके पड़े हैं। तो वही सब व्यूअर ने हमसे पूछे हैं कि सर क्यों हम मेरा 100 माने कि कब 1000 सब्सक्राइब होगा, कैसे होगा? तो वो लोग को क्या माने कि ऐसा करें कि आपको पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका सब्सक्राइबर और वॉच टाइम, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिए दोस्तों, अच्छा लगे और लाइक और सब्सक्राइब दबा के ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रखिए ताकि इस तरह वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम इसी तरह वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका 100 सब्सक्राइब है या 500 सब्सक्राइब है, उससे वो तो जो है छोड़िए। कहने का मतलब है आप लोग का ग्रो होने का एक ही कारण है कि देखिए, कोई भी काम हो, आपका पढ़ाई से लेके कोई भी जॉब हो या कोई भी काम हो जिसमें आप हाथ दिए हैं, तो उसको उसमें शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। हाँ, जैसे पढ़ाई किए कंटिन्यू आप 10 साल दिए या 12 साल दिए तो ही जाकर आपका एक पढ़ाई 10 क्लास या 12 क्लास में पहुंचते हैं, या उससे ज़्यादा समय देते हैं तो और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो हर चीज़ के एक काम का लिमिट होता है, काम का अनुसार टाइम का लिमिट होता है। ये नहीं हम तो भाई देखने गए तो 5 साल तक हम यूट्यूब में काम कर रहे हैं मगर नाम का खाली 5 साल मगर काम जो है कुछ नहीं है। आप मान आया दो एक साल में वीडियो को अपलोड किए, 6 महीने में वो अपलोड कर दिए, 1 महीने में वो कर दिए, 1 हफ्ता में एक कर दिए। तो इसी तरह जो हम लोग करते हैं उसमें क्या हुआ, टाइम ज़्यादा निकल गया कि 5 साल तक हम उसमें दे दिए, मगर हम उसमें वीडियो कितना अपलोड किए, कंटिन्यू क्या अपलोड किए, कंटिन्यू नहीं किए। पहला नंबर बात इसमें दिक्कत होता है कि कंटिन्यू आपको जो भी जॉब को आप पकड़ते हैं उसमें पूरा दिलो दिमाग से उसमें एंट्री होना पड़ता है, उसमें पूरा समझना पड़ता है, उसमें समय देना पड़ता है, तो ही जाकर उसका कुछ आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है। तो उसमें लगे रहना पड़ता है मेहनत के साथ में, मेहनत का कंटिन्यू अगर लगा रहिएगा तब जाकर समय का महत्व है कि हम 1 साल कंटिन्यू दिए हैं। और 1 साल देने का मतलब क्या है कि हम 1 ही महीने में एक वीडियो दिए तो फिर 1 साल का कोई मतलब ही नहीं, आप तो 1 ही महीना काम किए हैं, आप पूरे 1 साल का हिसाब जोड़ा दिए, ऐसा नहीं होता है। दूसरा नंबर बात ये है कि आप एक कंटिन्यू जो भी टॉपिक चुने हैं, कोई भी एक टॉपिक पे आप तो चुने ही होंगे कि हमको रेसिपी पे वीडियो अपलोड करना है, ब्लॉग पे वीडियो अपलोड करना है, या हमको कॉमेडी पे वीडियो अपलोड करना है, एक तो आप तो सेलेक्ट किए होंगे कि इसी टॉपिक पर हमको वीडियो को अपलोड करना है, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि दो दिन हम कुछ टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दिए, फिर कुछ तीसरा दिन में कुछ और दूसरा टॉपिक में चले गए, चौथा रोज में कुछ और टॉपिक को चेंज मत किया कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब जो है ये वो फिक्स होता है। जैसे मान के चलिए आप रेसिपी में वीडियो बनाते हैं, हमको पसंद है आपका रेसिपी, हमको चाहिए रेसिपी, हमको खाना बनाना नहीं आता है, तो आप एक वीडियो बनाए, आपका वीडियो को हम देखें, हमको अच्छा लगा कि ना ये खाना हमको बनाना है, आज कुछ सीखने को मिला है, तो आपका चैनल को हम सब्सक्राइब करके रखें। कल का दिन में आप फिर दूसरा कुछ कॉमेडी वाला वीडियो उसमें डालिएगा तो उससे तो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉमेडी वाला वीडियो अगर हमको दरकार रहता तो आपका रेसिपी वाला वीडियो को सब्सक्राइब क्यों करते हैं? हम तो कॉमेडी वाले वीडियो को सब्सक्राइब करके रखते हैं ताकि भाई उसका कॉमेडी वाला वीडियो जो भी है हम उसको देख सकते हैं, वो आपका रेसिपी वाला वीडियो को देखकर ही आपका चैनल को सब्सक्राइब करके रखे थे। तो आप इसी तरह गलती करते हैं कि देते हैं व्यूअर को कुछ और, पहले देते हैं कुछ और, दूसरा बात दूसरा चांस में उसको क्या देते हैं, कुछ और, तो व्यूअर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर भाई ये तो कभी ये देते हैं, कभी कॉमेडी, तो कभी रेसिपी, कभी ब्लॉग का बारे में, माने इनका तो कोई फिक्स नहीं है, मगर व्यूवर तो एक फिक्स के लिए आपका पास आए हैं कि इनका पास आए हैं हमको रेसिपी का ही मिलेगा, इसके अलावा हमको
आप कुछ नहीं चाहिए इस चैनल से, तो इस चैनल से हमको अगर कुछ नहीं चाहिए तो हमको ओनली वन चाहिए रेसिपी का बारे में, तो इसीलिए आपको सब्सक्राइब करके रखें। आप टॉपिक को बार बार चेंज ना किया कीजिए, क्योंकि बार बार टॉपिक को अगर चेंज करते हैं तो व्यूवर को माने कि टिकना मुश्किल हो जाता है आपका चैनल में, तो फिर जाकर वो दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करने लगते हैं, तो आपका चैनल को ध्यान नहीं देते हैं। अगर सब्सक्राइब किए भी हैं तो आपका वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, क्यों आप बार बार टॉपिक चेंज करते हैं, उस टॉपिक का वीडियो को उनको पसंद नहीं है, आप पहले दिए थे कुछ उनको और फिर वो सब्सक्राइब कर दिए, उसका बाद उनको और कुछ दे रहे हैं, तो इसीलिए चैनल भी डाउन होता है, ये भी रीज़न है। और इसमें तीसरा बात ये है कि आपका जो भी टॉपिक चुने हैं आप कंटिन्यू लगा रहिए, छोड़िए मत उसको, टॉपिक को चुने हैं उसको कंटिन्यू लगा रहिए, तो दिखिएगा आपका कुछ ना कुछ व्यू सब्सक्राइब बढ़ते रहेगा, कंटिन्यू देना ही पड़ेगा, इसमें कोई और जो कोई ऐसा माने कि जादू का छड़ी नहीं है कि घुमा दिए और हो जाएगा, कंटिन्यू तो देना ही पड़ेगा। और चौथा नंबर बात इसमें ये है, बहुत सारा आदमी या यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि भाई मेरा तो व्यू इतना आता है और उतना आता है, हम ऐसा कीवर्ड यूज करते हैं, ऐसा टाइटल यूज करते हैं। तो दोस्तों, टाइटल कीवर्ड हो या आपका डिस्क्रिप्शन हो या थंबनेल हो या टैग हो, तो ये तो ठीक है, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो उसका वीडियो का एगो उसका माने कि साथी है, ये सब तो आपको वीडियो में देना ही पड़ेगा, कीवर्ड थंबनेल टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सब तो टैग देना ही पड़ेगा। मगर ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप ये सब दे दिए हैं तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान के चलिए ये अगर इतना कामयाब होता, अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन में इतना माने कि टेक्निक एकदम हार्ड होता, तो जाके देखिएगा बहुत सारा चैनल में वो लोग पुराना चैनल है, आप तो देख ही रहे हैं, वो लोग का चैनल देखने से आपको पता चल ही जाएगा कि किसका चैनल कितना पुराना है, कितना सब्सक्राइब है, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो उस वीडियो को पूरा लिस्ट उसका देखिएगा, वीडियो का पूरा जितना भी वीडियो डाले हैं, तो देखिएगा किस में 1000 व्यू, किस में 10000 व्यू, किस में 1,00,000 व्यू, किस में 2,00,000 व्यू, किस में 100 व्यू, तो इस तरह क्यों होता है, आप अपना दिमाग को यूज कीजिए कि इस तरह होता है क्यों है। अगर सब टैग टाइटल थंबनेल का ही अगर काम होता तो फिर उनका तो हर वीडियो उसमें भी 1,00,000 व्यू आया तो इसमें भी 1,00,000 होना चाहिए या 1,00,000+ होना चाहिए व्यू, तो ये वाला 10,000 व्यू और वाला 2,00,000 व्यू कैसा, ऐसा क्यों, वो लोग पुराना है, नया तो है नहीं, जैसा तैसा उन लोग को तो सब कुछ पता है, तो ही तो जाकर सिखा रहे हैं सबको। मगर जब जो सबको सिखा रहे हैं उनका चैनल का चैनल में जाके देखिए वीडियो में कितना व्यू बना है, ये वो देखिएगा 2,00,000 व्यू, एगो में 1,000 व्यू, एगो में 10,000 व्यू, एगो में 15,000 व्यू, तो इनका फिर व्यू क्यों इसमें दूसरा वीडियो में घट गया, फिर फर्स्ट वाले वीडियो में इंक्रीज ज़्यादा था और सेकंड वाले वीडियो में व्यू घटा हुआ है। तो अगर टाइटल का इतना सब इस सब में अगर दम होता तो हर वीडियो में आपका 1,00,000 आना चाहिए, 2,00,000 आना चाहिए, प्लस होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आप जितना भी टेक्निक लगा दीजिए, जितना भी टैग टाइटल जोड़ दीजिए, वीडियो जो है वो दर्शक का ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, थंबनेल टाइटल का महत्व है, इसका मतलब नहीं कि आप पूरा कड़क भी थंबनेल लगा भी दिए तो आपका पूरा माने कि उसी में वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अपना काम जो है ढंग से करना चाहिए, अब जो दर्शक को पसंद आएगा कि नहीं आएगा वो दर्शक जाने, मगर अपना काम जो है ढंग से कीजिए। अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो वो टाइटल डिस्क्रिप्शन थोड़ा 19-20 भी रहेगा तो आपका वीडियो वायरल जाएगा, और नहीं रही अगर आप वीडियो दर्शक को पसंद आएगा जितने भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन उसमें ठोकिए, मगर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना काम को करते रहिए, ये जो फेक वाला बात है ये लगा दो वो लगा दो तुम्हारा इसमें आ जाएगा, मेरा वीडियो में देखो 2,00,000 व्यू आ गया है, तुम्हारा व्यू में वीडियो में क्यों नहीं आया, अरे यार तुम्हारे वीडियो में तो 2,00,000 आ गया तो सब वीडियो में दिखाओ 2,00,000, हर वीडियो में दिखा सकते हो 2,00,000, ये कोई वीडियो पॉपुलर अगर चला गया, इतना हजार हजार वीडियो तुम लोग अपलोड किए हो उसमें से अगर कोई भी एक वीडियो चला गया
तो उसको निकाल कर तुम लोग दिखा देते हो कि मेरे देखो 2 लाख हम ऐसा सेटिंग किए थे, ऐसा हम कीवर्ड लगाए थे, ऐसा टाइटल दिए थे, ऐसा टैग दिए थे। तो अगर सब वीडियो में दिखा दो, अगर वैसे ही तुम्हारे पास दम है टैग टाइटल का, तो हर वीडियो में क्यों तुम्हारा फिर व्यू कम हो रहा है? इसमें 2 लाख आ गया और सब वीडियो में 1,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 में क्यों पड़ा है? वो भी तो उसको भी 2 लाख में लेकर आ जाओ। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, खाली आते हैं सब, माने जो बोलना है बोल देते हैं आप लोग को कन्फ्यूज करने के लिए, ताकि आप लोग उस वही चीज़ चक्कर में फंसे रहिए, कभी भी बाहर निकल नहीं पाइएगा। तो दोस्तों मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ए टू जेड जो भी सच्चाई है आप पूरा बाघ का खाल खोल के नोच के हम दिखा देंगे कि यूट्यूब का पूरा सच्चाई क्या है। जब तक सच्चाई जानिएगा नहीं तब तक आप कोई भी काम कर नहीं पाइएगा दोस्तों। इसका बात कुछ, उसका बात कभी, इसका बात कभी, ऐसा करके देख लिए फिर भी व्यू नहीं आया, कभी वैसा करके देख लिए फिर भी व्यू नहीं आ रहा, तो भाई कैसे व्यू आएगा यार? तो इसीलिए कैसे व्यू आएगा, तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, कैसे व्यू आएगा सच्चाई और रियल बताएंगे कैसे व्यू आएगा। तो आप मिस मत कीजिए इस चैनल को, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक के रखिए। अब मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।